और वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देती है ताकि लोग पक्के मकान में रह सके, लेकिन गोहाना में मकान बनाने के लिए पूरी किस्त नहीं मिलने से कई लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है ताकि पक्के मकान बनाने का सपना गरीब आदमी का भी पूरा हो सके। लेकिन गोहाना में हालात बिल्कुल उलट है। गोहाना के वार्ड नंबर 15 में प्रधानमंत्री आवास योजना में 274 लोगों के मकान बनाने की स्वीकृति मिली हुई है। इन गरीब लोगों ने अपने पुराने मकान तोड़कर कर्ज लेकर इस आस के साथ मकान बनाने का काम शुरू कर दिया कि सरकार के तरफ से इन्हें समय पर भुगतान हो जाएगा, लेकिन अभी तक 50 से भी ज्यादा लोगों को किश्त न मिलने की वजह से ये मकान आधे अधूरे पड़े। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी मैंने फॉर्म भरा था तो इसकी एक किस्त आई है जी, तो बाकी 2 साल से मेरा पेंडिंग पड़ा है जी, और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी किस्त आए, और मैं बहुत परेशान हो रहा जी, बारिश भी आती है जी, सारा पानी कमरे में जाता है जी मेरा, और सारे बच्चे वहीं पे सोते हैं पवित्र जी कमरे में ही, और तिरपाल डाले की छतरी भी हमने जी, छतनी बनाई अभी, छतनी है जी। कितने पैसे मिले थे? 1 लाख रुपए आए थे। मिलने कितने थे? 2.5 लाख रुपए मिलने थे जी। अच्छा, हाँ जी। कितना टाइम हो गया नहीं आया? ये 2 साल के करीब होगा। किसी की छत नहीं तो किसी का काम शुरू ही हुआ है। ऐसे कई मकान हैं जो अब भी सरकारी सहायता के इंतजार में अधूरे पड़े हैं। करीब 65 ऐसे मकान हैं जिनकी आखिरी किश्त न मिलने के कारण अधूरे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन मकानों में रहने के लिए उन लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है जिन्होंने सरकारी सहायता की आस लगाकर अपने पुराने मकान तोड़ दिए, अब वो किराए के मकान में रहने को मजबूर है। ये किस्त के पैसे रुके हैं मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के, 2 लाख तो मिल चुके हैं, बाकी 50 पेंडिंग में पड़े हैं, 1.5 साल से किराए पे रहे। तो मकान नहीं तैयार हुआ? नहीं हुआ जी। तो अब तो सर्दी का मौसम आ गया, किराए पे रह रहे हैं सर, 2000 रुपए किराया दे, किराया देंगे या फिर बिजली का बिल भी मकान मालिक मांगे तो 2.5-3 के करीब पहुँच जाए। पीड़ित लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पक्के मकान बनने हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ये अधूरे पड़े हुए हैं। किसी को एक भी किश्त नहीं मिली है, किसी को आखिरी किश्त न मिलने से छत तक नहीं बन पाई है। पीड़ितों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और नगर परिषद के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। पीड़ितों का कहना है कि बच्चों को खाना खिलाएं, कर्ज चुकाएं, मकान का किराया दें या बिजली का बिल भरे या सारा फोड़ फाड़ के गिरवा दिया हमारा, तो ये बताओ हम क्या करेंगे, ये मारे ना तो एक भी किस्त आई ना, वो किराए पे उपड़े हुआ किराएदार का और डंडा ले नूनते बिजली आले आले बिल, अरे बिल देवा किराया देवा का अपने बाल का रोटी खुआवा, पता के करा। कितने टाइम पहले पैसे मिलने थे? मामला तो कहा था भाई DPC हो जाएगी, जब पीछे मिल जाएगा और DPC भी होगी, और जब भी चमन्नी ना आई मारी तो, और जाओ कमेटी में कमेटी वाले नुका आवेंगे आवेंगे, अरे आवेंगे जब जब हम मर जाएंगे जब कद आवेंगे बताइयो। कौन सी योजना के पैसे मिलने थे? ये प्रधानमंत्री आवास। अरे 2 साल हो मकान में नहीं पड़े, आज आऊंगे कल आऊंगे, अरे ना भले 21 और रुक गया, बोले पंचकुला से आऊंगे उत्साहेंगे उत्साहेंगे, और मिल नहीं रहा पैसे, बहुत परेशान हो रहे हैं, बिजली का बिल भी भरा, मकान का किराया भी भरा, किराए पर बैठ आज खर्चे करने मुश्किल हो। वही वार्ड 15 के पूर्व पार्षद विनोद ने बताया कि कई बार अधिकारियों को लिखित में शिकायत देने के बाद भी इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। ये बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि जल्द उनको पैसे मिले और वो अपने मकान का काम पूरा करवा सके, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, जिससे इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। लगभग 60-65 मकान बन चुके हैं, लेकिन उनकी फाइनल किस्त है जो वो लगभग 1.5-2 साल से रुकी हुई है, और उन्होंने अपना काम भी पूरा कर लिया है। वो जो छोटी मोटी कमी रह जाती है वो भी कोई ऐसी बात नहीं है भाई, को जैसे कोई वॉश मशीन लगाना या उसकी पाइप लगानी है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो अपनी अब किस्त रुकी हुई है। और जो
इनके किसी के मतलब गवर्नमेंट ने ये भी ऑर्डर दे दिया था नगर परिषद वालों ने कि भैया इनके वो लेटर जारी कर चुके हैं कि भाई इनके जल्द से जल्द पैसे आ जाएंगे और इनकी डीपीसी करा दो। डीपीसी कराने के बाद भी लगभग 7-8 महीने से ये रेंट पे रह रहे हैं और रेंट पे रहने के बाद और ये किराया भर भर के सभी मतलब किसी का 1500-2000 रुपए में जो भी किराए पे रह रहे हैं किराया भर के भी इनकी कमर टूट चुकी है और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो किस्त का कोई प्रावधान नहीं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे तभी मिलते हैं जब आप घर तोड़कर काम शुरू कर देते हैं और इसी उम्मीद में इन लोगों ने भी अपने पुराने मकान तोड़ दिए, लेकिन सरकारी सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होने के चलते इनका ये घर आज भी फिनिशिंग की राह देख रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुरेश जिंदल की रिपोर्ट।